जय सीताराम दोस्तों, मैं वैद्य राजेश शुक्ला आज आपको विशेष ही महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह हमारे देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान का अवतार माना गया है दोस्तों। ये हमारा सबसे पूजनीय पौधा भी है, हर घर हर आंगन में इसको पूजना पसंद करते हैं। इसको पूजने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इसके गुण बहुत हैं, पर हम आज आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बात करेंगे। पहले हिंदी में इसकी जानकारी दे दें, कदली और केला के नाम से प्रसिद्ध है। हर जगह भारतवर्ष के सभी प्रांतों में, केरल के अधिकतर प्रांतों में ये मिलेगा दोस्तों। संस्कृत में कदली, वारणा, मोचा, अम्बुसारा, रंभा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा की दृष्टि से किया जाता रहा है। कई स्थानों पर केले के पत्तों में भोजन करने का विधान है, जैसे केरल वगैरह हो गए। प्राचीन काल में निघंटुओं के मतानुसार केले की दो प्रजातियां होती हैं, एक कदली दूसरी काष्ठ कदली, परंतु राज निघंट में चार प्रजातियां बताई गई हैं। भाव प्रकाश में तो कई प्रजातियों को कहा गया है। आइए जानते हैं कुछ लाभदायक केले के प्रयोग। ध्यान से सुने और खुद का लाभ करते हुए दूसरों को लाभान्वित करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हम सभी लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, पहला प्रयोग मैं बताऊंगा नकसीर में। नकसीर में क्या करना है दोस्तों, नकसीर होता क्या है, जब नाक से खून टपकने लगता है अनायास, भीतर की गर्मी बढ़ जाने के कारण ये होता है, और किसी किसी को नाक से खून टपकने लगता है, तब आपको मित्रों क्या करना है, केले के पत्तों को मसल कर, केले के पत्ते लेना है, इसको मसल लेना है। मसलने के बाद दोस्तों इसका रस निकाल लेना है, 2 से 3 बूंद रस नाक में डालने से नकसीर की समस्या खत्म हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपको दंत क्षय। दंत क्षय वो रोग है कि जब दांतों में सफ़ेदी जम जाती है, पीलापन जम जाता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जगह जगह से टूटने लगते हैं, तो उसको दांत क्षय का श्रेणी में लाया जाता है। तब इसको क्या करना है दोस्तों, कि इसको फल को ले आ, कच्चा फल ले आए और उसका कल्क कर लें। कल्क होता है, कल्क करके दांतों में घिसना चाहिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि दांत एकदम सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे और बढ़िया निखार आ जाएगा और मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। अब हम श्वास रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो श्वास रोगों में क्या करना है, केला को लाना है, कुंद को लाना है, सिरिस को लाना है और पिपली को लाना है। बराबर मात्रा में ले आकर इसका कल्क कर लें और 5 ग्राम की मात्रा में चावल के धोनवन के साथ लेने से श्वास रोग धीरे 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 करके खत्म हो जाता है दोस्तों। और दूसरा बात करते हैं गौमूत्र में। गौमूत्र को लाकर उसमें पकाए हुए केले और अंगार पर भुने हुए केले का सेवन करने से श्वास रोग चला जाता है। तो इसमें क्या करना है कि अंगार में केले को भून लेना है, उसके गूदे को खाकर गौमूत्र में पका के खा लें या गौमूत्र ऊपर से पी लें, तो देखेंगे कि श्वास रोग चला जाता है। पके केले को मध्य के लंबाई में काट दें और 2 ग्राम के मात्रा में उसको बीच से फाड़ के काली मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से बंद कर दें और कंडे की आंच में इसको सेक लेना है। तो सेकने से क्या होगा दोस्तों, कि सेकने के बाद जब ठंडा हो तो उसको छील कर और उसका सेवन करने से, यस इतने सेवन करने से देखेंगे कि श्वास रोग ऑटोमेटिक जो है तो जाता चला जा रहा है और ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे लोग भी लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।